हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फाइस्ट चैनल पर। आप सभी के लिए आज से टैली की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज का ये पार्ट नंबर 1 होगा, जिसका टाइमिंग रहेगा शाम को 7 बजे। तो सभी लोग शाम को 7 बजे टैली की क्लास जरूर ज्वाइन करें जिन बच्चों को सीखना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर टैली की भी जल्दी से क्लास लेकर आइए। और क्योंकि टाइम की वजह से क्लासेस नहीं शुरू हो पाए थे, बट अब टैली की आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। और इसमें आप इस सीरीज में आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के, यानी कि जिनको टैली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो लोग भी इसको सीखेंगे। उनके लिए ही स्पेशली क्लासेस हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है। आप इसे जीरो से मान के चलिए कि बिल्कुल आप जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक टैली को सीखेंगे, और इसमें विद GST आपको सिखाएंगे। तो टैली का एक कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं। और ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट का आपके लिए क्लास होगा डेली। तो अगर आप 15 से 20 मिनट अपना डेली क्लास करते हैं शाम को 7 बजे, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से टैली को सीख पाएंगे। और कई बार बच्चों को लगता है कि टैली काफ़ी कठिन है या उनको समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप 1 से 2 क्लास या 3 क्लास आप देखें, समझ में आए या फिर ना आए। आप अगर 2 या 3 क्लासेस देखते हैं, उसके बाद में फिर आपको लगेगा कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है कि किसी किसी को हार्ड लगे, समझ में ना आए, लेकिन 1 तो क्लास देखेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथियों तक क्लास पहुँच सके और वो लोग भी इसमें शामिल हो सकें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे। सबसे पहले टैली में आएंगे और आज की इस क्लास में सीखेंगे कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, या कंपनी होता क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई अपना बिजनेस करते हैं, कोई आपकी शॉप है या फिर कंपनी है, ठीक है, और जिस भी प्रकार का आपका बिजनेस है, कि कोई आप सामान बेच रहे हैं, कोई आप सेल कर रहे हैं, या फिर और भी कोई प्रकार का बिजनेस है, उसको आप अच्छे से एनालाइज करने के लिए, उसकी अकाउंटिंग अच्छे से हो सके, ठीक है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें टैली में आना पड़ता है। और टैली से क्या होता है कि हमारे लिए जो काम होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो जिस नाम से भी आपका बिजनेस है, जिस नाम से भी आपकी शॉप है, उस नाम से सबसे पहले आपको अपनी टैली के अंदर एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो अभी केवल आप ये सीखेंगे कि कंपनी कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने को। बस शर्त ये है कि आपको पूरा क्लास जो है वो देखना है ध्यान से, और कोई भी क्लास बीच में मिस नहीं करना है। कई बार होता है ना कि इसका पार्ट सेकंड आया तो मिस कर दिया, फिर पार्ट थर्ड आपने देख लिया या फोर्थ देख लिया, तो फिर वो थर्ड या फोर्थ भी क्लास समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच में कोई भी क्लास मिस करते हैं। टेली में क्या है कि आपको रेगुलर क्लास करनी होती है और डेली सभी पार्ट आपको अच्छे से देखने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी क्लास देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। चलिए अब देखते हैं कि टेली में कैसे कंपनी बनाएंगे। तो जब आप टेली को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही आपको यहाँ पर यूजर इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और इसमें आपको कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी इन्फो का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जब आप कंपनी इन्फो में आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी का। मीन्स अगर आपकी कंपनी पहले से बनी है तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आता है लॉगिन एज रिमोट यूजर का ऑप्शन, फिर आता है क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। तो आपको अभी करना क्या है, कंपनी को क्रिएट करना है। अच्छा, ये बाकी ऑप्शन क्यों होते हैं, इनके बारे में भी आगे आप सब कुछ जानेंगे कि बैकअप क्या होता है, रिस्टोर क्या होता है, ये सब कुछ आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनी को बनाना, या कंपनी कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करना है, और डाउन एरो प्रेस करने के बाद आप क्रिएट कंपनी पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक बार एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक टैली क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पूरा कंपनी आपका यहाँ पे बनाना होगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी का ऑप्शन आपको होता है, और जिसमें आपका यहाँ पे सी यूजर्स पब्लिक टैली डॉट ERP 9 डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक पाथ होता है जहाँ पर आपका डेटा सेव रहता है टैली में, जो भी आप वर्क करते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं चेंज करना तो आप कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, तो अपने कीबोर्ड में आपको बैक स्पेस की प्रेस करना है। और जैसे ही एक बार बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे और अपना जो ड्राइव है वो चेंज कर सकते हैं, पाथ को बदल सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ये बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है, तो एंटर प्रेस कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेम। तो जिस नाम से भी आपका शॉप है या कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, उस नाम से यहाँ पर एक कंपनी बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बना लेते हैं देव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पर देव
देव इलेक्ट्रॉनिक नाम से एक बना लेते हैं कंपनी, उसके बाद एंटरप्रेस करते हैं। और जब आप एंटरप्रेस करेंगे तो जो मेलिंग नेम होगा उसमें भी वही नाम आपको दिखेगा जो आपने नेम में डाला है, मीन्स वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक कर लेता है। तो इसको आपको हटाना नहीं है, बस यही रखना है, जो मेलिंग नेम होगा वो भी आपका यही होगा। अब इसके बाद जो आपको दिखेगा वो दिखेगा एड्रेस। तो अब एक बार एंटरप्रेस करना है और यहाँ पर आपको भरना है एड्रेस, जो भी कंपनी का एड्रेस है, जहाँ पर आपकी कंपनी है, जहाँ पर आपकी शॉप है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डालना है एड्रेस, फिल हियर कंपनी एड्रेस। ठीक है, उसके बाद एंटरप्रेस कर देंगे। एंटरप्रेस करेंगे तो नीचे भी आप यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोला जाता है, यानी कि अगर एड्रेस आपका एक लाइन में नहीं आता है तो उसके लिए स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद में आपको एंटरप्रेस करना होता है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है अपनी कंट्री का नेम। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंट्रीज आपको दिखाई देगी, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, जिसमें से आपकी जो भी कंट्री हो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर जो कंट्री नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर अगर आप यहाँ पे डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आई डाल दिया, तो जो भी हमारा आई से जो भी कंट्री होगी वो डिस्प्ले होगी। जैसे कि यहाँ पर इंडिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एंटरप्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आ चुके हैं नीचे स्टेट पर। तो अब आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है कि स्टेट कौन सा है, और इसके लिए भी आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पर स्टेट डिस्प्ले होते हैं, लिस्ट ऑफ स्टेट आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ से आपका जो स्टेट है उसे आप यहाँ से भर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर भर लेते हैं उत्तर प्रदेश। और अगर यहाँ पर आपको नज़र ना आए तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा वही आपको यहाँ पर यू प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर यू प्रेस करते हैं, जो भी आपका स्टेट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो डालेंगे, तो यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा है आपका स्टेट और यहाँ पर भर देना है। तो हमने यहाँ पे भर दिया है उत्तर प्रदेश। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना पिन कोड बताइए, मीन्स जहाँ पर आपकी दुकान है, शॉप है, उसका पिन कोड आपको बताना है। तो यहाँ पर डाल देना है अपना पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद एंटरप्रेस करना है। टेलीफोन नंबर अगर है तो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, फैक्स नंबर है तो डालिए, ईमेल आपका जो हो उसको डाल देना है, और वेबसाइट का नाम अगर आपको आपके पास कोई वेबसाइट है तो आपको डाल देना है कंपनी के पास में। उसके बाद आपको एंटरप्रेस करना है, और जब आप एंटरप्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स पूछा जाता है, जिसमें यहाँ पर पूछेगा फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, यानी कि आपका जो वित्तीय वर्ष है वो कब से शुरू हुआ है। तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। तो जब भी आप कभी भी कंपनी क्रिएट करते हैं टैली के अंदर, तो जो भी आप व्यवसाय करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमेशा वो आपका जो वित्तीय वर्ष होता है उसका जो डेट होता है वित्तीय वर्ष का, वो स्टार्टिंग डेट पड़ता है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 रहेगा अगर आपने 19 में वर्क शुरू किया है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पर पूछेगा बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि आपने जो टैली में कंपनी क्रिएट की है, जो वित्तीय वर्ष है वो तो आपका 1 अप्रैल 2019 है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस अप्रैल में ही शुरू करो। हो सकता है कि आपने मई, जून, जुलाई, अगस्त में किया हो, अपना काम शुरू किया हो, तो यहाँ पर जिस दिन से आपने अपना टैली में वर्क शुरू किया है वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, बट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में क्या करना है, आपका जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वही डेट आपको भरनी है। तो यहाँ पर मान लिया कि हम आज से अपना काम शुरू करेंगे तो आज की आपको डेट डालनी है, तो यहाँ पर हम 1 फरवरी 2020 भी डाल सकते हैं। ठीक है, और एंटरप्रेस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष ख़त्म होगा वो कब होगा, 31 मार्च 2020 को ये जो वित्तीय वर्ष होगा, ये फाइनेंशियल ईयर होगा, वो एंड होगा। ठीक है, तो अभी हम 1 फरवरी 2020 यहाँ पे भर सकते हैं, मीन्स हमने जो अपनी दुकान या फिर अपनी शॉप या फिर आप कह लो कि कंपनी, आपने जो उसमें काम करना शुरू किया है टैली में, वो 1 फरवरी से ही शुरू किया है 2020 से, और इसका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल में हुआ था, और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2020 को ये एंड होगा। तो अभी मुझे यहाँ पर 1 फरवरी 2020 ही डालना होगा। ओके, अब बात करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल की। तो यहाँ पर आपको एक टैली वाल्ट पासवर्ड भी मिलता है, अगर कोई वाल्ट पासवर्ड आप बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ डाल सकते हैं।
ये क्या होता है बाल्ट पार्ट्स पर डिटेल में इसमें बात करेंगे। अभी केवल मुझे यहाँ पर इसको एंटरप्रेस करके आगे बढ़ना है और यहाँ पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में यस करना है। अगर आप चाहते हैं कि टैली में आप ही लॉगिन कर पाएं तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी को यस कर सकते हैं, वैसे इसको नो भी रहने देंगे। बट नो रहने देने में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आकर के टैली को ओपन कर सकता है और आपका सब कुछ खराब कर सकता है। तो इसलिए हमेशा आपको सिक्योरिटी लगा के रखनी है, पासवर्ड को लगा के रखना है। और टेली बाल्ट पासवर्ड से क्या होगा, आप और ज़्यादा सुरक्षा कर सकते हैं। एक तरीके से डबल सिक्योरिटी आप मान सकते हैं, जिसमें आपकी कंपनी का नेम भी हाइड हो जाता है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर डिस्प्ले होता है वो भी हाइड हो जाता है। अभी आपको दिखाएंगे कि जब कंपनी में आप लॉगिन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको दिखती हैं, तो टेली बाल्ट पासवर्ड से वो चीज़ें भी हाइड हो सकती हैं। तो इस पर आएंगे बाद में, डिटेल में आएंगे कि टेली बाल्ट पासवर्ड क्या होता है, आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। बट अभी केवल यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करेंगे और जैसे ही कीबोर्ड से आप बाई प्रेस करेंगे उसके बाद आपको करना है एंटर प्रेस, तो ये सिक्योरिटी यस हो जाएगी। और अब आपसे पूछेगा कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बताइए, तो यहाँ पर कोई भी आप नाम रख सकते हैं। और जब भी आप कंपनी को लॉगिन करेंगे तो यही नाम आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद जो पासवर्ड बनाएंगे वो डालना होगा। तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया है देव, एंटर प्रेस किया और पासवर्ड में आप यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड 123, जो भी आप चाहें अपना डाल सकते हैं, बट आपको बताना नहीं है, केवल अपना डाल देना है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, फिर से वही पासवर्ड को मुझे रिपीट कर देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बता रहा है पासवर्ड स्ट्रेंथ इज वीक, है ना, क्योंकि पासवर्ड बहुत छोटा सा डाल दिया है, केवल 1 2 3, तो इसलिए स्ट्रेंथ बहुत वीक है। बट आप अच्छे से बना के डालिए पासवर्ड, ताकि वो थोड़ा सा सही हो और कोई उसको डाल ना पाए, उसको ओपन ना कर पाए। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करने के बाद में आपको फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है। नीचे आएंगे और यहाँ पर आप पूछेगा यूज टैली एडिट फीचर्स, तो इसको बस ऐसे ही अभी एंटर प्रेस करके आपको आना है नीचे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल क्या रहेगा, तो जो भी आप सिंबल रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल है तो यही रहेगा। उसके बाद फॉर्मल नेम में INR ही रहेगा, तो इसको एंटर प्रेस करना है केवल, आपको और कुछ करना नहीं है। इज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट्स, तो यहाँ पे आपको रखना है और नो। उसके बाद एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे रहेगा। ये चीज़ें बाई डिफॉल्ट सेट होती हैं, इनको कुछ करना नहीं है, आपको ऐसे रखना है। सो अमाउंट इन मिलियन, आपको मिलियंस में अमाउंट दिखाना है तो नहीं दिखाना है, हमें नो ही रखना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके आएंगे इधर, तो पूछेगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेस का नंबर क्या होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी मूल्य है जैसे 20 रुपये 50 पैसे, तो 20.50 दिखेगा, या आप चाहते हैं कि 20.5 यानी कि 5 ही दिखे, तो जो दशमलव के बाद में कितने अंक आने चाहिए वो यहाँ पर है। अधिकतम यहाँ पे 4 भर सकते हैं आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 भरा हुआ है जो बिल्कुल ठीक है, तो यही रहने देते हैं। उसके बाद पूछेगा कि वर्ड यूज्ड टू प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट, अमाउंट जब शब्दों में प्रिंट हो, जो उसमें जो पैसे होंगे वो आपका, यानी कि जो दशमलव के बाद में जो वैल्यू होगी वो किस में दिखना चाहिए, पैसे में दिखना चाहिए या फिर और कुछ आप रखना चाहते हैं। जैसे 10 रुपये 20 पैसे, तो आपका हिंदी में भी लिख के आएगा 10 रुपये और 20 पैसे, तो यहाँ पर पैसे ही रहेगा। इसके बाद डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, जब अमाउंट आपका वर्ड्स में प्रिंट हो, जब शब्दों में जो अमाउंट प्रिंट होगा उसमें दशमलव के बाद में कितने अंक होंगे, कितने अंकों को वो शब्दों में भी दिखाए। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंकों को वो शब्दों में भी दिखाए। आप चाहें तो इसे और कम कर सकते हो या ज़्यादा भी कर सकते हो, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका 2 सेट रहता है। अब इसके बाद आपको एक बार इंटरफेस करना है, और जैसे ही इंटरफेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा यस और नो। तो अगर आप एक बार इंटरफेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाती है, इंटरफेस कर देते हैं और ये कंपनी हमारी बन चुकी है। इसके बाद आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, कंपनी का नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हो रहा है, देव इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं। अब नेम ऑफ यूजर, जो एडमिनिस्ट्रेटर का नेम डाला था उसी नेम से कंपनी लॉगिन होगी, तो वही नेम आपको यहाँ पे डालना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है, तो जो भी पासवर्ड आपने बनाया था वहाँ पर वो आपको यहाँ पे डाल देना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, और अब यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आ रही हैं, करंट पीरियड भी आपके दिखाया जा रहा है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ये पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हैं।
करंट डेट भी आपको डिस्प्ले हो रही है, और इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में देव इलेक्ट्रॉनिक्स नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री यानी कि नो वाउचर इंटर्ड, कोई भी वाउचर अभी इंटर नहीं हुए हैं। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस दिखेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अब आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मास्टर्स में, गेटवे ऑफ टैली में देखेंगे तो मास्टर्स में अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजेक्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। सबको समझेंगे आप बारी बारी से, डिटेल में सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ से सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, सर्ट कंपनी कर सकते हैं, डेट पीरियड चेंज कर सकते हैं, कंपनी इन्फो, कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपनी बनाना आ चुका होगा, कैसे कंपनी बनाते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, कैसे उसको डिलीट करेंगे, कैसे उसको आप एडिट करेंगे, मीन्स कोई आपको अल्टरेशन करना है, कोई संशोधन करना है तो कैसे करेंगे, ये जानेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास आपको मिलेगी उसमें, कैसे कंपनी आप डिलीट करते हैं और कैसे उसमें कोई संशोधन करते हैं और कैसे कंपनी में लेजर बनाते हैं, लेजर क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।